फ्रेंड्स, आज मैं आपको मटर के स्टफ पराठे बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने फ्रेश मटर 1 किलो छील के दाने निकाल लिए हैं। इसके लिए कुछ हमें मसाले लगेंगे। ये बारीक पीसा हुआ लौंग, धनिया, गरम मसाला, नमक, जीरा और हींग। 8 से 10 हरी मिर्ची ली है जिसे मुझे मिक्सर में बारीक पीस लेना है, और कुछ कोथमीर काट के रखा है मसाले के ऊपर गार्निशिंग के लिए। और मटर को भी हमें अब बारीक पीसना है, बिना पानी के मिक्सर में इसको एकदम बारीक पीसना है। इसमें मैंने ये कुछ मटर डाले हैं, इसमें पानी नहीं डाला है, इसे सूखा ही पीसते हैं। मटर को मैंने बिना पानी के कुछ इस तरह पीस लिया है बारीक। अब पराठे का स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें इसे मसाला बनाना है। तो चलिए मसाला बनाते हैं। उसके लिए कढ़ाई ली है, कढ़ाई को गर्म कर उसमें 6 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, गर्म तेल में मैं चुटकी भर हिंगड़ा डालूंगी, 1.5 चम्मच जीरा, और जो हमने ये बारीक मिर्ची पीसी है, अपने तीखेपन तीखा खाने के अनुसार आप वो मिर्ची डाल सकते हैं। मैं थोड़ी और अब ये मिर्ची हो जाने के बाद हमारा जो पीसा हुआ मटर है हम इसमें ये सारा डाल देंगे। मटर मैंने डाल दिए हैं, इसे तेल के साथ मसाले में अच्छा मिक्स कर इसे थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे। इसका पानी हमें सुखाना है, तो इसके लिए हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे। इसे कम मध्य आंच पर चलाएंगे। 10 से 15 मिनट तक कम आंच पर इसको धीरे धीरे बार बार चलाने के बाद ये कुछ इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा। अब हम हमारे इसमें मसाले डालते हैं। उसके लिए मैं इसमें डालूंगी नमक, पिसा हुआ लौंग, गरम मसाला, धनिया पाउडर और ये छोटा चम्मच है, ये आधी कटोरी बेसन इसमें जाएगा। इससे ये मसाला बनता अच्छा है और स्टफ करने के टाइम पे बेलने में आसानी होती है। मैंने सभी मसालों को इसमें डालकर इस तरह से हिला लिया है और देखिए काफी इकट्ठा हो चुका है। बस अब हम इसमें थोड़ा सा कोथमीर डाल देंगे और इस मसाले को हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए, क्योंकि गरम गरम मसाले को हम पराठे में नहीं कर पाएंगे। और बस अब बांटते हैं रोटी का आटा। इसके लिए आटा हमें चाहिए रोटी का आटा, कुछ अलग स्पेशल नहीं, जो आप रोटी बनाते हैं वही आटा, नरम, सिर्फ नरम चाहिए, क्योंकि मसाला हमारा नरम है तो आटा भी नरम ही चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने ये आटा नरम नरम बांध लिया है। अब इसका एक रोटी का बनाने जितना लोया हम लेंगे, इसे आटे में लगाकर थोड़ी छोटी रोटी बेलेंगे। अब हम इसमें हमने जो मसाला बनाया है वो स्टफ करेंगे। मैंने इसमें सारा मसाला डाल दिया है, बस अब हम इसे इस तरह से पैक करेंगे और धीरे धीरे हाथों से इसको बेलेंगे। तवा मैंने गरम करने रख दिया है, ये देखिए बड़ी आसानी से बेला जाता है, ये इसे बहुत नरम नरम हाथ से बेलना है। जोर से बेलेंगे तो मसाला आटे में से बाहर निकल जाएगा। इस रोटी को बहुत पतला भी नहीं बेलना है, बहुत मोटा भी नहीं। पराठा इतना बड़ा बेल चुके हैं, अभी हमारा तवा भी गर्म हो गया है, अब हम इसे तवे पर डाल देते हैं। ये एक साइड से सीधा है, हम इसे तवे की सहायता से पलटी मारेंगे। अब दूसरी तरफ से सीखेंगे, जब ये दूसरी तरफ से भी सीख जाएगा तब इस पर 1 चम्मच तेल डालकर हम इसे सेक लेंगे। मैं आपको बताती हूँ, ये पराठा हमारा दूसरी तरफ से भी सीख गया है। इसे अभी हम तेल डालते हैं 1 चम्मच, तेल थोड़ा सा फैला था।
दूसरी तरफ से भी, दूसरी तरफ तेल डालने की जरूरत नहीं है। बस लीजिए, हमारा पराठा तैयार है।